ओम शांति। हम सभी इस धरा पर कितने भाग्यवान हैं कि सवेरे आँख खुलती है तो सामने चैतन्य रूप में भगवान दिखाई देते हैं, उनसे मिलन होता है, उनको हम गुड मॉर्निंग करते हैं, उनको हम शुक्रिया करते हैं। हमारे भाग्य के तो क्या कहने, जिनके भाग्य की महिमा स्वयं भाग्य विधाता भी करते हैं। जिनका बाप ही भाग्य विधाता हो उनके भाग्य में भला क्या कमी रह सकेगी। तो आइए हम सारा दिन याद करें, हम जैसा भाग्यवान कोई नहीं। ऊपर हाथ उठाकर बाबा को कहें, बाबा आपने हमें सब कुछ दिया, आपने हमें महान भाग्य दिया, आपको बारंबार शुक्रिया। याद रखें, कभी भी भूल से भी ये न कहें, मेरा तो भाग्य ही खराब है, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं तो बहुत दुखी हूँ। नहीं, भगवान के बच्चे और दुखी, भगवान के बच्चे और गरीब, जिनको भगवान ने सर्व खजानों का मालिक बनाया है, वो भला निर्धन कहाँ। निर्धन तो वे हैं जिनके मन निर्धन हैं, निर्धन तो वे हैं जिनके पास खुशी का खजाना नहीं, जो शांति की तलाश में भटकते हैं, जिनके संबंधों में प्रेम नहीं है। हम तो सर्व खजानों से भरपूर हैं, तो सारा दिन अपने श्रेष्ठ भाग्य के गुणगान करते रहें। इस संगम युग पर संपूर्ण सत्य ज्ञान मिल गया, घर बैठे भगवान मिल गया, जीवन जीने का सत्य मार्ग मिल गया, मुक्ति और जीवन मुक्ति जो हमारा परम लक्ष्य था वो सहज ही हमें प्राप्त हो गया। जिसके लिए युगों से सब भटकते थे, जिसके लिए अनेक सन्यासी महामंडलेश्वर शंकराचार्य साधनाएं करते हैं, वो मार्ग हमें सहज प्राप्त हो गया, तो हम बहुत बहुत भाग्यवान हैं। भगवान ने स्वयं हमारी पालना की। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि देखो अपने भाग्य को, देखो तुम भगवान की पालना में पल रहे हो, रोज सवेरे उठते ही तुमको बाप जगाते हैं, सवेरे जगाते हैं, रात को सुलाने आते हैं, फिर पढ़ाने आते हैं, फिर ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं। कोई बच्चा यदि दुखों में आंसू बहाए तो उसके आंसू पहुंचते हैं। फिर बाबा ने कहा, संसार वाले अगर ये सुने तो कहेंगे, भगवान इनके लिए खाली बैठा है क्या, तुम उन्हें कह दो भगवान हमारे लिए खाली ही बैठा है। कितना बड़ा भाग्य है, सोचो हम उसके कितने समीप आ गए जिसको केवल हम एक बार देखना चाहते थे। हमारा उस पर अधिकार हो गया जो सर्व खजानों का मालिक है, तो जो कुछ उसके पास है वो सब हमारा हो गया। अपने भाग्य को देख कर जरा मुस्कुराओ तो सही, सवेरे आँख खुलते ही हाथ ऊपर उठाकर कह देना, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। 5 बार, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। जिनको भगवान ने स्वयं अपने दिल में स्थान दिया है, तो आज सारा दिन अपने भाग्य को स्मृति में लाते हुए हम अपने 5 स्वरूपों को याद करेंगे। हर घंटे में 1-2 बार हमारा अनादि स्वरूप, मैं चमकते हुए मणि, बिल्कुल अपना स्वरूप स्पष्ट देखेंगे और देखते ही रहेंगे। परम धाम में जब मैं अपने निराकार स्वरूप में हूँ तो भगवान के अति समीप हूँ। मेरा तेज सभी आत्माओं से बहुत ज़्यादा है, मेरा आदि स्वरूप देव स्वरूप कंचन काया है। जब मैं देवता हूँ तो परम पूज्य हूँ, मेरी पवित्रता अति आकर्षक है, मेरा तेज बहुत ज़्यादा है। इतना तेज
कि मेरे स्वरूप का दर्शन करके ही भक्त प्रसन्न हो जाते हैं, मैं वहाँ संपूर्ण पावन हूँ, पूज्य स्वरूप, मैं विघ्न विनाशक हूँ या विष्णु स्वरूप हूँ या इष्ट देवी हूँ अष्टभुजाधारी, अब मैं ब्राह्मण हूँ और अब मुझे बनना है फरिश्ता, अर्थात मैं आत्मा प्रकाश के शरीर में हूँ। अपने इन पांचों स्वरूपों को हर घंटे में 2 बार याद करेंगे और स्मृति स्वरूप होकर समर्थ बनेंगे। ओम शांति।